हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी के एक और शो में आपका स्वागत है। आज बातों को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए किन चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए छोटा सा वीडियो देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि क्या चीज़ें होनी थी और क्या चीज़ें हो गई हैं। दोस्तों, ये जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी बड़े शहर का सड़क नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का सड़क नहीं है, ये हमारे पोर्ट ब्लेयर का सड़क है। देखने में ही ख़ास, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़ सड़क, देखते ही दिल खुश हो जाता है। गाड़ी चलाऊँ तो दिल और चहकने लगता है। लोगों के लिए चलने का अलग जगह, गाड़ियों का चलने का अलग जगह, साफ़ सुथरी सड़क, बिना गड्ढों वाली सड़क। कोई भी गाड़ी चलाने वाला इन सड़कों को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, ताकि आपने जो खर्च करके गाड़ी लिया वो गाड़ी को भी तकलीफ़ ना हो, आपको भी तकलीफ़ ना हो। इतनी बेहतर अंदाज में बनी हुई ये सड़क है। ये किसी और जगह की नहीं, हमारी अपनी पोर्ट ब्लेयर की सड़क है। लेकिन क्या पूरे अंडमान निकोबार में ऐसी ही सड़कें हैं? ये सोचना, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये इलाके VIP इलाके माने जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं हकीकत, तो कुछ सड़कें ऐसी हैं जो दिखने में ऐसी ही हैं। ये बम्बू फ्लैट से फरारगंज के बीच की सड़कें हैं। ये वो हकीकत है जिसको हमेशा छुपाया जाता है। कभी कहा जाता है कि सड़कों का हाल ऐसा ही होता है बारिश होने की वजह से, कभी कहा जाता है कि गड्ढे हमेशा से सड़कों पर रहेंगे। लेकिन ये भी तो अंडमान का हिस्सा ही है ना, यहाँ भी क्या अलग हो रहा है? अगर पोर्ट ब्लेयर को इंजीनियर्स ने बनाया है वहाँ की सड़कों को, तो यहाँ को भी तो इंजीनियर्स ने ही बनाया है। अगर आप रोड का हाल देखें, STS बस हो, प्राइवेट गाड़ी हो, कहीं भी हो, आपको लगेगा ही नहीं कि वो सड़कों पे चल रही हैं। पानी को छीड़ते हुए निकलती हुई गाड़ियाँ, ये आम इंसान की हर दिन का सफ़र है जिसको वो तय करता है। बस का सफ़र, गाड़ियों का सफ़र, आपको लगेगा जैसे आप ऊंट पे सफ़र कर रहे हैं। हिचकोले लगाते हुए चलती हुई बस और गाड़ियाँ, ये सुखद अनुभव आपको बम्बू फ्लैट से लेके फरारगंज तक कभी भी किया जा सकता है, आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इन समस्याओं को और नज़दीक से समझने के लिए, इसकी गंभीरता को जानने के लिए, हमने स्थानीय लोगों से, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, और साथ ही साथ में कुछ सोशल वर्कर जो इन चीज़ों में जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे को कंटिन्यूसली लगातार उठा रहे हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। देखते हैं उन लोगों ने क्या कहा। रोड ठीक नहीं है, बिल्कुल गाड़ी चला नहीं सकता। उन लोग, हम लोग को लेटर दिया, 10-15 दिन हो के अभी तक कुछ करता ही नहीं, कुछ ही नहीं, गाड़ी बिल्कुल चला नहीं सकता। जीप तो छोड़िए, बाइक चलाना भी मुश्किल है, इतना बुरा हालत है। और गाड़ी तो क्या, पैदल चले तो खेती में चलने जैसा हाल हो गया, इतना कीचड़ है रास्ता। और यहाँ में कैसा करेगा, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर यहाँ से बम्बू फ्लैट जाना है तो आधा 15 मिनट का रास्ता 45 मिनट का ऊपर ले लेता है। आदमी लोग का गुस्सा भी होता है क्योंकि वो लोग टाइम से बोट नहीं मिल रहा है। रोड को लेके, रोड का 4 साल से हो गया ये हालत है कि रोड का इतना प्रॉब्लम है और ये कितना एक्सीडेंट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन रोड कुछ बनता नहीं। रोड मेरा घर का सामने 3 एक्सीडेंट हो गया अभी पिछला सप्ताह, कि उतना रोड प्रॉब्लम है। कल क्या कर, हम मिट्टी डाल दिया, मिट्टी डाल के पूरा रोड को लेबल करके रखा है और खाली मिट्टी डाला भी, मिट्टी का ये हालत है। रोड में इतना खराब है कि आदमी चलने ही नहीं सकता, पैदल भी चलने नहीं सकता, पैदल चलने से भी गिरता है आदमी। और हम लोग सुबह जो वॉकिंग करता, वॉकिंग भी नहीं कर सकता, वो हालत है। उसमें केला पेड़ गाड़ने का रास्ता है, केला पेड़ गाड़ने से भी केला पेड़ निकल जाएगा, वो हालत क्या है। मैं VK अब्दुल अजीज, सोशल वर्कर बिंद्रावान। मैं आज इस रोड को लेकर के करीबन 2 साल से मैं अपना आंदोलन लड़ रहा है, और हर महीना, हर 2-3 महीने के अंदर में मैं एक एक चिट्ठी छोड़ता हूँ, जो सी को, ई को, SC को, सभी लोगों को, और कॉपी टू जिसको देना सबको देता हूँ। और यहाँ पर हमने 2-3 बार चक्का जाम भी करा सतनगढ़ी जंक्शन पे, ये आगे। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे डेट 17 तारीख को मैंने एक लेटर छोड़ा था हमारे सी साहब को, चीफ इंजीनियर को, जिसका मुझे परिणाम मिला इस रोड के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ,
इसका जवाब मुझे मिला 10 दिन के अंदर जो है हम लोग काम शुरू करेंगे, और ये जवाब हमको 20 तारीख को मिला। और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे श्री कुलदीप राय शर्मा जी को मैंने इनका कॉपी भी दिया, वो एक कॉपी के थ्रू से आज कुलदीप भैया ने मीडिया में और ये सेक्रेटरी ऑफ पीओडी को लेटर दिया कि जल्द से जल्द ये रोड का कार्रवाई करे। बड़ा शर्म की बात है, आज इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आज रोड का साइड से मट्टी काट के रोड में डाला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं किसको दिया गया, 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, आज तक इस रोड का काम शुरू नहीं हुआ। जो भी रोड का काम हुआ है सतनकाडी से लेकर के ओगराबंद जंक्शन तक, वो रोड भी ख़त्म हो गया, 3 महीना नहीं हुआ लगभग, वो भी ख़त्म हो गया। साईं बाबा मंदिर से लेकर के बम्बू फ्लैट जट्टी तक, वो भी आज तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ, वो रोड भी ख़त्म हो गया। तो मेरा कहना ये है कि आने वाला दिन जो आज स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, खुला नहीं है लॉकडाउन का वजह से, ठीक है प्रॉब्लम होगा, आज सामान मिलने के बावजूद कोरी खुलने के बावजूद भी एस सी साहब ने खुद आश्वासन दिया था ओगराबंज में जब हम लोग चक्का जाम करे थे नेशनल हाईवे पे, काम है 2 महीने के अंदर हम लोग पूरा किया जाएगा। मुझे बताते हुए बड़े मतलब एक ये लग रहा है, शर्म लग रहा है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास सब कुछ होते हुए भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद भी आज कोई तरह का काम नहीं हो रहा है। तो मेरा इस मीडिया के माध्यम से कहना यही है कि हमारा फरागन से लेके बम्बू फ्लैट तक और कड़काचांद से लेके विम्बलीगंज तक और विम्बलीगंज से लेके सोलबे तक का काम जल्द से जल्द कार्य करे, नहीं तो ये 10 दिन के अंदर में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात साझा करना चाहूँगा, बम्बू फ्लैट से लेके फरारगंज तक का जो रोड है उसका टेंडर हो चुका था। वो टेंडर मिला था रवि रियल कॉम प्राइवेट लिमिटेड नाम की बाज़ार की पोर्ट ब्लेयर की एक कंपनी को मिला था। उन्हें काम शुरू करना था 6/11/2018 को और जो काम पूरा होना था 5/11/2019 में, लेकिन अभी हम 2020 में पहुंच चुके हैं। 2020 में पहुंचने के बाद भी रोड में मेंटेनेंस का कोई भी काम नहीं हो पाया, और मज़े की बात क्या है पता है, वो टेंडर कुछ दिन पहले कैंसिल हो चुका है। हमारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बात हुई, आरसीडी में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम टेंडर दोबारा से कॉल करेंगे, फिर से नई कंपनी आएगी, फिर से टेंडर होगा और उसमें जितना हम लोग जानते हैं अच्छा खासा वक्त लगने वाला है, छोटा मोटा वक्त नहीं लगेगा। रोड का काम अगर आप सड़कों पे देखें तो पॉलिश काम चल रहा है, ऊपरी तौर पे काम चल रहा है कि गड्ढे हैं उसे कैसे भरे जाएं, बारिश आने के बाद वो गड्ढे दोबारा गड्ढे बन जाए इससे किसी को मतलब नहीं है, बस ऊपरी तौर पे काम चल रहा है क्योंकि लोग परेशान हैं, कुछ प्रेशर आने शुरू हो गए हैं तो ऊपरी तौर पे काम चल रहे हैं। अभी पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि सड़क के गड्ढे मामूली बात नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सड़क में गड्ढे हैं और इससे कुछ लोगों को परेशानी है, ये पूरे समाज के लिए एक बीमारी के जैसे है। अगर हम इसे दूर नहीं करेंगे तो हम इसकी पकड़ में कभी ना कभी ज़रूर आ जाएंगे। पहली बात, जो ये सड़क बनते हैं और इसमें इतने सारे गड्ढे होते हैं तो इसकी वजह क्या होती है, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप किसी जगह अपना ट्रीटमेंट करने जाएं और उसके बाद बीमारी बढ़ती जाए और बीमारी ना रुके तो आप क्या कहेंगे, क्या वो डॉक्टर सही है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही जो लोग ये सड़क बना रहे हैं वो लोग कौन हैं? नर्सरी LKG UKG में पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो मेहनत करके कोशिश करते हैं कच्ची सड़कों को बनाने के लिए, खेलते खेलते वो इंजीनियर्स हैं, उन्हें कहते हैं इंजीनियर। उन्हें बेहतरीन अंदाज में जानना चाहिए कि सड़कों को कैसे बनाएं, कैसे इसको बहुत अच्छा बना के देखा जा सके। पोर्ट ब्लेयर की सड़कें अगर अच्छी हैं और बम्बू फ्लैट से फरारगंज की सड़कें ख़राब हैं तो इसका मतलब क्या है? पढ़ाई खत्म होने के बाद अच्छे अंक प्राप्त करके सरकारी नौकरी में चढ़ने के बाद क्यों हमारे इंजीनियर इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि एक छोटा सा सड़क को भी सही तरीके से नहीं बना पाते हैं? इसमें नुकसान किसका होता है ये जानने वाली बात है। सबसे पहले नुकसान तो है आम पब्लिक का, क्यों? ये जो सड़क बनती हैं ये किसी की जायदाद से लिया हुआ पैसा तो नहीं है, हम जो टैक्स बांधते हैं उस टैक्स से ही ये सड़कें बनना शुरू होती हैं। उन पैसों को अगर मैं सीधे अल्फाजों में कहूँ तो बर्बाद किया जा रहा है, सीधे सीधे उन टैक्सों को हम गड्ढे में फेंक रहे हैं, पहले पैसे की बर्बादी हो गई। दूसरा, मेहनत कर काफ़ी मुशक्क़त कर एक गाड़ी ख़रीदते हैं, वो 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो, और उसके बाद उसका क्या आलम होता है, क्या हाल होता है उसका,
वो गाड़ी इन सड़कों पे दौड़ती है, चलना होता है 5 से 10 साल, मुश्किल से चल पाती है 2 साल। सस्पेंशन बहुत आसानी तरीके से गाड़ी का ख़राब हो जाता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ी खुद नहीं समझ पाती है कि उसे किस रोड पे जाना है करके। आपके पैसों की बर्बादी, आपकी गाड़ी की बर्बादी, कुछ डाटा की बुनियाद पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हमारे देश में हर दिन 10 लोगों की मौत होती है। किस वजह से होती है? किसी बीमारी से होती है? नहीं, 10 लोगों की मौत हमारे देश में हर दिन होती है सड़कों के गड्ढों की वजह से। 2017-18-19 का अगर हम डाटा देखें, तकरीबन 4000 से 6000 लोगों की मौत हमारे भारत में हो गई सिर्फ सड़कों के गड्ढे की वजह से। अंडमान में हम लोग परेशान क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ बड़ा सुना ही नहीं है। अंडमान के गड्ढे में हो सकता है कोई गिर गया हो, चोट लग गई हो, लेकिन मौत अभी तक हम लोगों ने सुनी नहीं है। इसी वजह से हम लोग इसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखिए 2014-13-19 तक का पूरा वक्त, कहीं पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खो दिया, कहीं बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, कहीं की फैमिली ख़त्म हो गए सिर्फ ये गड्ढों की वजह से। अब ये अंडमान की सड़कों में जो ये गड्ढे बन रहे हैं, या तो बनाए जा रहे हैं और बनने दिए जा रहे हैं, अब ये सब का सोल्यूशन क्या है? अब मुझे जो समझ आता है, मैं अपने सजेशन से 2 सोल्यूशन बताना चाहूँगा। सड़क के काम दोबारा टेंडर होने के बाद शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन वो कितना अच्छा होगा या नहीं होगा, ये चीज़ से हम लोग सब वाकिफ़ हैं। अब उसे ठीक कैसे करना है, मेरा अपना सजेशन है, आप लोग अपने राय को जोड़ सकते हैं। सबसे पहले जब सड़क का काम शुरू होगा मेंटेनेंस का, सबसे पहले क्या करना होगा, जिस भी इलाके में वो काम शुरू हो रहा है, जिस भी विलेज में वो काम शुरू हो रहा है, वहाँ के PRI और वहाँ के साथ ही साथ विलेजर्स को ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो रोड का काम इस तरह हो जैसे आपका घर का काम हो रहा है। आपके घर में अगर कोई काम चले, मरम्मत का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? वैसे ही इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसको ध्यान से देखना होगा कि वो रोड का काम वैसे ही हो जैसे उसके एस्टिमेट बेस में है, कितना उसमें ज़रूरत है, कितना लहर हो, वो सब को ध्यान में रख के वक्त निकाल के आपको लगना होगा अगर आपको बदलाव चाहिए तो। उसके बाद दूसरा क्या करना होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर और साथ ही साथ उसमें जुड़े हुए इंजीनियर्स, उनको बुलाना होगा और उनसे कहना होगा कि रोड का काम जैसे ही पूरा हो जाता है, ये रोड के नाम को हम बदल कर जिस इंजीनियर ने बनाया है उस इंजीनियर के नाम पर और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है उस कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे उस रोड का नाम रखना चाहते हैं। इससे क्या होगा, अगर वो रोड अच्छा हो गया तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का नाम हमेशा के लिए मशहूर हो जाएगा, और अगर ख़राब हो गया तो ज़िंदगी भर उन्हें याद रहे कि ऐसा एक सड़क उन्होंने बनाया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या है कि जिसने भी ऐसे ख़राब काम किए, वो इंजीनियर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इंजीनियर को अपने नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। एक बार सरकार अगर ऐसे सख्त कदम उठाएगी तो मेरे ख्याल से सड़कों पे गड्ढे या गड्ढों पे सड़क नहीं होगी। क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का कि अंडमान की सड़क पर किसी बच्चे का एक्सीडेंटली डेथ हो जाए, हंगामा मच जाए, या किसी बुज़ुर्ग का डेथ हो जाए, हंगामा मच जाए, उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ ये सड़क के गड्ढे मौत भी दे सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं? ये ज़रूरी नहीं कि उस दिन का हम लोग इंतज़ार करें। टेंडर कैंसिल होने के बाद, नए टेंडर के बाद काम शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन कितना अच्छा होगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता। कितनी जल्दी उन सड़कों पे दोबारा गड्ढे आ जाएंगे ये हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन सबके दिल में बात है कि हाँ ये होने वाला है। इस बदलाव के लिए आप लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना होगा। उम्मीद करता हूँ आप आगे आएंगे और अपने इलाके की सड़कों के लिए मेहनत करेंगे। अगर हर ग्रामवासी, हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ अपने इलाके की जिम्मेदारी ले ले तो वहाँ की सड़क ही सिर्फ अच्छी हो जाए तो धीरे 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 एक पूरे इलाके का सड़क बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे शोज़ को देखते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।